हेलो फ्रेंड्स, मैं विशाल सिंह, बीकॉम ई लर्निंग। नेक्स्ट टॉपिक इंपॉर्टेंट टॉपिक है इंटरनेशनल मार्केटिंग में इनको टर्म के लिए इंटरनेशनल कॉमर्शियल टर्म आईसीसी इंटरनेशनल चैम्बर ऑफ द कॉमर्स के द्वारा इलेवन इनको टर्म्स बनाई गई, जिसमें आपको डिलीवरी पॉइंट से आपके बायर और सेलर एंड बायर दोनों की रिस्पॉन्सिबिलिटी को अलग अलग डिफाइंड किया गया। रिस्पॉन्सिबिलिटी, कास्ट एंड रिस्क तीनों अलग अलग की गई कि किसकी कहां तक आपके लिए लाइबिलिटीज बनती है, उस लाइबिलिटीज पर आप वर्क करते हैं और इसके लिए आपको जिसका जो वर्क क्षेत्र होगा वहां पर होगी। फर्स्ट आप यहाँ पर वर्ड से ही आप क्लियर हो सकते हैं कि फैक्ट्री से अगर कोई माल आपको बायर परचेज करता है तो सेलर उस फैक्ट्री से उस माल को तैयार करके अब उसे वो फैक्ट्री से पैकेजिंग ऑफ द पोर्ट को पैकेजिंग करेगा, पोर्ट लाइक पैकेजिंग करेगा, जिसे अब वो उसे ट्रांसपोर्टिंग सर्विस पेड करेगा। ट्रांसपोर्टिंग सर्विस से लोडिंग होगी, लोडिंग से वो शिप पर ले जाएगी, सिप तक के वहां के चार्ज को वो पेमेंट करेगा, फिर वहां चार्ज पर सिप पर माल करके एफओबी फ्री ऑन बोर्ड वो रख करके यहां सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड हो जाती। अब बायर की रिस्पॉन्सिबिलिटी शुरू हो जाए। अब यह सिप ओसीएम सिप के द्वारा माल आपके यहां पहुंची तो ये सपोज दैट कि आपने टोकियो से परचेज किया, टोकियो सिप पर फैक्ट्री ने माल रखी, सिप से अब टोकियो से जो पोर्ट से अब आपके यहाँ आ रही है जापान से, तो अब आपके लिए यहाँ पर मुंबई पोर्ट पे आई तो मुंबई पोर्ट ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन जहां पर आप फैक्ट्री ले जाते हैं, इंश्योरेंस और राइस रिस्क इंश्योरेंस भी कराएंगे और जो भी रिस्क होगी उसके लिए आपके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होगा, बायर होगी। अब आप देख सकते हैं कि एफओबी स्पेशली रिफर्ड ओशियन इनलैंड वाटरवे ट्रांसपोर्टर ऑफ दी सर्विस, स्पेशली ये वाटरवे समुद्र के रास्ते या रिवर वे साइड पर ही यह लागू होता है। एफओबी को आप रेलवे या एयर पर हम लागू नहीं कर सकते हैं। नेक्स्ट है सीपर सेलर रिलीज गुड बायर इन दी फॉरवर्डर रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर इंश्योरेंस ट्रांसपोर्टेशन, अगर आप परचेज करते हैं तो बायर की इंश्योरेंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके लिए बनेगी। सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी आपको क्या बनती है, वेयर हाउस में वह गुड्स को तैयार करता है, उसे वह लोडिंग करती है, ट्रांसपोर्ट टू पोर्ट, पोर्ट तक लाने के लिए क्या चार्ज करती है, पोर्ट पर अगर आ गया तो उसको बिल सहित क्या कस्टम की चार्ज देती है, टर्मिनल चार्ज देगी क्योंकि यहां पर आपको बल्क में आइटम है, क्योंकि इसे कंटेनराइज आइटम में आप नहीं रख सकते हैं, तो बल्क में आइटम अगर आप रखते हैं तो आपको यहां पर टर्मिनल चार्ज, लोडिंग ऑफ दी व्हीकल्स, क्योंकि आपको टोटल आइटम आप पोर्ट पे लेके आए तो शिप पर भी आप ही को लोड करना पड़े। अब जब आप शिप पर माल को लोड कर दिए तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी वहां पर समाप्त हो गई। टोकियो से अगर माल है, जिस जापानीज कंपनी से आपने गुड्स परचेज किया, दिस लायबिलिटी इज इन डी ऑफ दी पोर्ट्स। अब आप इंडिया में आ रही है तो इंडिया की जो भी कंपनी की पोर्ट से अब वहां तक जो शिप है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टार्ट होगी। ओशियन एयर फ्राइट ओशियन की चार्ज आपको देंगे, इसके लिए आपको इसकी बिल का भुगतान करना पड़ेगा, बिल ऑफ लीडिंग, इंश्योरेंस देनी पड़ेगी, इंश्योरेंस चार्ज, अगर बीच में कोई कैजुअलिटी होती है तो उसके लिए बायर का लॉस होगा, तो इसलिए गुड्स की इंश्योरेंस करानी होगी। अनलोडिंग आपके यहाँ आ गई, इंपोर्ट ड्यूटी का आपने चार्ज दिया, उस माल्स को अनलोडिंग कराएंगे, ट्रांसपोर्ट टू डेस्टिनेशन अपने फैक्ट्री तक पहुंचाने का वर्क करेंगे। यूज सी ऑफ द रिवर पर हम लागू कर देते हैं, मोर प्रैक्टिकल मैक्सिमम ईएक्स वर्क, अभी पिछला आपको बताया कि अदर कंट्री के सिचुएशन के विषय में हम जानेंगे तो हम ईएक्स वर्क करके सफल होते हैं। मैक्सिमम प्रैक्टिकली आपके लिए एफओबी होता है कि जिस कंट्री से हम कोई भी माल परचेज करते हैं तो उसे हम जब भी, जैसे आप फॉर एग्जांपल 50,000 यूनिट है तो हम उसे कहेंगे एफओबी माल हमें भेजिए, एफओबी
फ्री आप ऑन बोर्ड, मतलब आप वहां से टोटल माल उसकी पैकेजिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग करेंगे, ट्रांसपोर्टिंग करने के बाद शिप पर लोडिंग अनलोडिंग और कस्टम चार्ज सारा पेमेंट आपका होगा, जिसकी वैल्यू आप प्रोडक्ट प्राइस में ऐड करके हम बताएंगे, बायर उसका भुगतान कर देगी, बायर उसकी इंश्योरेंस और भी जो भी चार्जेज है इंपोर्ट ड्यूटी वगैरह का पेमेंट करेगी। क्योंकि किसी भी अदर कंट्री से जब भी आप गुड्स परचेज करते हैं तो उस बिजनेस के कंडीशन को आपको जानकारी नहीं है, तो मोर प्रैक्टिकल होती है। तो आप आपके लिए यहां पर बल्क कार्गो या छोटे यूनिट के लिए हम नहीं यूज कर सकते हैं, इसमें टाइम कम होने से एफसीए के वगैरह वर्क होती है, तो यह आपके लिए मैक्सिमम प्रैक्टिकल यूज होता है। आपने स्टार्टिंग टू इंड एफओबी फ्री ऑन बोर्ड को देखा, थैंक्स सो मच। आप अपने इस चैनल वी कामी लर्निंग को लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करें। थैंक यू।